अच्छा ये बताओ कि सिर्फ नेक लोग पुकार सकते हैं या कोई थोड़ा गुनहगार बंदा है अल्लाह का गुनाह गुनहगार भी वो पुकार सकता है हाँ गुनहगार भी पुकार सकता हाँ, है हाँ, हाँ? हाँ, सोच के बताओ गुनहगार भी पुकार हाँ, सकता है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सब बच्चे इसी बात पर आप सबको एक एक पेंसिल मिलनी चाहिए क्योंकि आप सबके सब बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि नेक लोग भी पुकारेंगे और गुनहगार लोग भी पुकारेंगे क्यों किसको पुकार रहे हैं अल्लाह है किसका रब है अल्लाह उनका रब है चलो इस वक्त पर भी किसी को एहसास आ जाए और वो अल्लाह के पास वापस आए तो क्या गलत कर रहा है हाँ मालूम है शैतान उससे बुरा कोई है नहीं शैतान से बुरा कोई है नहीं उसने अल्लाह को पुकारा था अंजिरनी इला यौम युबसून अल्लाह कयामत के दिन तक की मोहलत दे दे तो अल्लाह ताला ने कहा इन्नका मिनल मुंजरीन तू उनमें से है जिन्हें मोहलत दी जाती है तो इबलीस की दुआ भी अल्लाह ने सुनी कबूल की और अल्लाह ताला ने मुशरिकों के बारे में कहा कि मुशरिक जब समंदर में जाते हैं और वहां पर तूफान में फंस जाते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं और जब अल्लाह उन्हें बचा करके साहिल पर भेजता है तो तब जाके अल्लाह के साथ औरों को शरीक करते हैं लेकिन अल्लाह ताला मुशरिकों की पुकार भी सुनता है उनसे बड़ा गुनाहगार तो नहीं हो सकता एक ईमान वाला शख्स तो उनसे तो बहुत बेहतर ही है ना तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह करो गुनाह से बचना चाहिए क्योंकि कयामत के दिन हमारे सामने हमारे गुनाह आएंगे देखेंगे हम लोग कह रहे मेरा ये गुनाह यहाँ पे तराजू में मौजूद है गुनाह से तो बचना चाहिए लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है ओके इंशाल्लाह अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है आई प्लस टीवी बेहतर जिंदगी के लिए अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है